गणेश की बुद्धि की युक्ति से ही मेरा वहां से बाहर आना संभव हो सका। इतना अंधकार कैसे उत्पन्न हुआ यहां? ये कौन है? ये बुढ़िया कौन है तू? कौन हूं मैं कौन हूं? मैं लक्ष्मी की बड़ी बहन हूँ। चली गई है वो यहाँ से। अब पाताल मेरा है। लक्ष्मी को यहाँ लाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझे अपने निकट रखने के लिए कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है पुत्र। यदि मुझे रखने में अशौच हुआ तो मैं उसी क्षण लौट जाऊंगी। ए बुढ़िया, तुम्हारा निर्णय तो मैं बाद में करूंगा। समय आ गया है, अब मुझे अपना कार्य करना होगा। मामी जी, पुत्र गणेश, प्रणाम मामी जी। गणेश, आप कुशल तो है ना मामी जी? हाँ पुत्र, किंतु तुम यहाँ? युद्ध समाप्त हो गया क्या? अंधकासुर समझौते के लिए मान गया है? उत्तम, अति उत्तम। अपने अभिमान के लिए युद्ध करवा कर पूछती हो कि युद्ध समाप्त हो गया? दीदी, जहां ज्येष्ठा अलक्ष्मी का वास है वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। विचित्र है ये परिवर्तन। प्रणाम दीदी। चौक क्यों गई लक्ष्मी? तुम्हें क्या लगा था चिकोने में पड़ी रहकर कष्ट भोगने की अधिकारी हो? नहीं दीदी, वो मैं ज्येष्ठा मौसी, मैं जानता था आपका सौंदर्य अद्भुत है। गणेश दीदी की मिथ्या प्रशंसा क्यों कर रहा है? वो तो मैं जानती हूँ, ज्येष्ठा हूँ मैं।
हर दृष्टि से श्रेष्ठ हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे मुख पर ये संशय का भाव क्यों है? मौसी, आप सर्वथा उचित कह रही हैं, किंतु ये क्या कर रहा है गणेश? किंतु क्या? मौसी, पार्क ही दृष्टि है मेरी। मैं तो आपकी सुंदरता से परिचित हूँ, किंतु उसे प्रमाणित करने के लिए आपको मामी जी के साथ खड़ा होना होगा। तभी तो उचित तुलना हो सकेगी ना? उचित है, इसमें किस बात का संकोच? अशौच स्थिति में ज्येष्ठा के साथ खड़ा होना, गणेश करना क्या चाह रहा है? नहीं दीदी। क्या हुआ? क्या तुम अब मेरे साथ खड़ी भी नहीं हो सकती? वो बात नहीं है दीदी। मैं तुमसे बड़ी हूँ, फिर भी सब कुछ छीन लेती हो तुम मुझसे। वैकुंठ ले लिया तो पाताल पर भी अपना अधिकार स्थापित करने आई हो तुम? नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई आश्रय नहीं है। विश्वास कीजिए मुझ पर, मैं स्वयं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ। मेरी युक्ति कार्य कर रही है। ज्येष्ठा मौसी के आ जाने से माता लक्ष्मी का यहाँ पर रहना कठिन होता जा रहा है। शुभ संकेत मिल रहे हैं, हमारी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। तुमसे कहीं अधिक सुंदर और श्रेष्ठ हूँ मैं। पाताल को उचित दिशा दिखाने में कहीं अधिक सक्षम हूँ। ये ज्येष्ठा यहाँ कैसे आ गई? अब मैं क्या करूँ? मामी जी, जहाँ ज्येष्ठा मौसी है वहाँ आप नहीं रह सकती, क्योंकि जहाँ वो है वहाँ अशौच है, और जहाँ अशौच है वहाँ आप कैसे रह सकती हैं? इसलिए यही एकमात्र उपाय था जिससे आप यहाँ से बाहर भी जा सके और अंधकासुर को दिए आपके वरदान की मर्यादा भी भंग ना हो। धन्यवाद पुत्र गणेश, उत्तम युक्ति है ये। नहीं दीदी, ये क्या कर रही है आप तो जानती हैं कि जहाँ अशौच है मैं वहाँ नहीं रह सकती। अच्छा, तो यही उचित है। नहीं दीदी, ये उचित नहीं है। आप इस प्रकार यहाँ आकर मुझे निष्कासित नहीं कर सकती। वैकुंठ तो पूर्व से ही तुम्हारा ही है लक्ष्मी, तो पाताल पर मेरे अधिकार को स्वीकार करने में तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? इसी प्रकार तुम भविष्य में वैकुंठ भी पहुंच गई और वहाँ अपना अधिकार जताने लगी तो? नहीं नहीं, मैं पाताल छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे पाताल में ही रहना होगा। नहीं आऊंगी मैं वैकुंठ, पाताल में ही रहूंगी। और वैसे भी मेरे स्वामी ऋषि दुर्षभ यही हैं, मेरा आवास है पाताल। दीदी आप चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। प्रणाम ज्येष्ठा मौसी, अब मैं भी चलता हूँ। रुको, तुमने बताया नहीं कि कौन ज्यादा सुंदर है? पाताल से जाते हुए तो मामी जी ही अत्यंत सुंदर लग रही हैं। किंतु आप तो पाताल में आते हुए अद्वितीय सुंदर लग रही हैं मौसी। पाताल के अनुरूप ही है आपका सौंदर्य। तो ठीक है मौसी, आप यहाँ स्थित होइए, मैं चलता हूँ। प्रणाम। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, करो सामना धुंड के प्रचंड बाणों का।
मामी जी संभालिए स्वयं को, क्या हुआ आपको? पुत्र, यही मेरी विवशता है, मैं शौच के समीप स्वस्थ नहीं रह सकती। मामी जी मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपको बाहर ले जाऊंगा। शीघ्र मुझे बाहर ले चलो पुत्र। आइए मेरे साथ चलिए, मुझे तत्काल आपको यहाँ से ले जाना होगा मामी जी, क्योंकि सभी देवगण श्री की शक्ति के बिना निर्बल पड़ते जा रहे हैं। मेरा वज पुनः प्रभावी हो रहा है। सावधान देवराज। सेनापति महान योद्धा कुमार कार्तिकेय, अब तुम शेष नहीं रहोगे, मृत्यु को प्राप्त होगे तुम, मृत्यु को। आइए मामी जी, अब हम कुछ ही क्षणों में बाहर निकलने वाले हैं। सैनिकों में ऊर्जा का संचार कैसे हो रहा है? कैसे संभव है ये? देवताओं का सामर्थ्य लौट कैसे रहा है? ये दिव्य कवच भी शक्तिशाली होता जा रहा है और ये आसुरी विष अपनी शक्ति खो रहा है।
बस मामी जी, बाहर निकलने वाले ही हैं हम। मामी देवी लक्ष्मी आ गई, मुक्त हो गई वो। मेरा भवन श्रीवीर हो गया। माता अंधकासुर, मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हारे लिए अलक्ष्मी छोड़कर जा रही हूँ। नहीं माता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माता 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 अलक्ष्मी, अब देखता हूँ असुर इस युद्ध में कैसे विजय पाते हैं। दुख तो इस बात का है स्वामी कि जगत कल्याण के साथ महादेव और आदि शक्ति के सहयोग में हमारा साथ भी निहित है, अन्यथा मुझे भी आपसे विलग होना होगा। मैं अभी भी आपसे क्रोधित हूँ स्वामी। मेरे इतने आग्रह करने के बाद भी आप महादेव को मनाने नहीं गए और इतना सब कुछ घट गया फिर भी आपने मुझसे क्षमा नहीं मांगी। आपको मनाने के लिए मैं शत बार क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप अर्धांगिनी है मेरी, श्री है, शक्ति है मेरी, आपसे ही पूर्णता प्राप्त करता हूँ मैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस और कुछ कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए स्वामी। गणेश की बुद्धि की युक्ति से ही मेरा वहां से बाहर आना संभव हो सका। कैसे उत्पन्न हुआ यहाँ? ये कौन है?
ये बुढ़िया कौन है तू? कौन हूँ मैं कौन हूँ? मैं लक्ष्मी की बड़ी बहन हूँ। चली गई है वो यहाँ से। अब पाताल मेरा है। लक्ष्मी को यहाँ लाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझे अपने निकट रखने के लिए कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है पुत्र। यदि मुझे रखने में अशौच हुआ तो मैं उसी क्षण लौट जाऊंगी। ए बुढ़िया, तुम्हारा निर्णय तो मैं बाद में करूंगा। समय आ गया है, अब मुझे अपना कार्य करना होगा। श्री और शुभता दोनों ही पुनः लौट आए हैं हमारे पास। देवराज इंद्र, ये असुर पुनः जीवित कैसे हो गए? असुरों को पुनः जीवित करने के लिए शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। अंधकासुर ने मृत असुरों की सेना खड़ी कर दी। शक्तियों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। किसी भी प्रकार से इनका दुरुपयोग स्वयं को हानि पहुंचा सकता है।